अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो कि बेस्ड है आज की ट्रिक पे कि हम किसी भी वीडियो से टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं। दिस इज किंग एंड यू आर वाचिंग किंग डे टेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, ओपन कर लेते हैं कोई भी वीडियो। जैसे कि वीडियो फाइल ये वाली मैं ओपन कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ पर मैंने प्ले कर दी है। तो इसमें एक टेक्स्ट है जो कि मैं आपको थोड़ा सा कॉपी करके बताने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ किसी भी वीडियो को आपने पोस्ट कर लेना। एक बार तो मैं जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ वीडियो पे, तो इसको मैं जो है ना सिलेक्ट करूँगा। तो उसके सिलेक्ट करने के लिए हमने एक कमांड जो है ना यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी। वो कमांड ये है कि विंडोज़ शिफ्ट प्लस टी। जैसे ही हम लोग ये कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो प्लस के आइकन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम सिंपली इसको जो है ना माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करके और ये टेक्स्ट जो है सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह हम ये टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हमने छोड़ देना है और हमने कुछ भी नहीं करना। तो जैसे हम लोग सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो नोट पैड को ओपन करके मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि वो टेक्स्ट कॉपी हुआ है या नहीं। ये मैंने नोट पैड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा टेक्स्ट कॉपी हुआ है या नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे मैंने पेस्ट किया है तो उस वीडियो से जो टेक्स्ट था वो ईजिली हम जो है वो कॉपी कर पा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये ट्रिक किस तरह से वर्क करती है और इस ट्रिक को अंजाम देने के लिए यानी कि इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, आइए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। सिंपली हम अगेन उसी वीडियो पे जाके कोई और टेक्स्ट जो है वो कॉपी करने वाले हैं। तो वही आपने कमांड जो है ना टाइप कर लेनी है, विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस टी, एंड यहाँ पर राइट लेफ़्ट क्लिक करके आपने वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है जितना आपको टेक्स्ट को चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने वो एरिया सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और यहाँ पे नोट पेड को मैं जो है डिलीट करके टेक्स्ट को डिलीट करके पुराने वाले को राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा दूसरा टेक्स्ट कॉपी हुआ है या नहीं। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, आराम से इजीली जो है ना हमारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपने क्या करना है, एक ब्राउज़र को ओपन करना है। वो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा टूल है। तो सिंपली अपने ब्राउज़र ओपन करने के यहाँ पे आपने लिखना है पावर टॉयज़। तो पावर टॉयज़ को हमने यहाँ पे लिखना है और एंटर करना है। सेकंड वेबसाइट आप देख रहे हैं ये गिटहब है, तो गिटहब की वेबसाइट को हमने सिंपली क्या करना है ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। तो जैसे ही हमारे पास गिटहब का पेज ओपन हो गया है, यहाँ से हम थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको नया यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक डाउनलोड लिंक होगा। हाँ, ये देखिए, फॉर माय प्रोसेसर, जो मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर है 64 बिट वाला है, तो मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके जो है ना मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। वैसे आप ये चारों साइट्स जो है, चारों लिंक्स जो है ना टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एक जो है ना आपके पास जो है ना वर्क लाजमी करेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाउनलोड का बटन अपीयर हो जाएगा। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, स्टार्ट डाउनलोड। मैं तो यहाँ फिलहाल इसको डाउनलोड करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे सिंपली मैं प्रेस करूँगा कैंसिल। जैसे मैं यहाँ पे कैंसिल पे प्रेस करता हूँ, कैंसिल पे हमने प्रेस कर लिया, यहाँ से हमने ब्राउज़र को मिनिमाइज कर लिया और सिंपली हमने स्टार्ट मल्टी बटन पे जाके पावर टॉयज को सर्च करना है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ सिंपली। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो पावर टॉयज का कुछ सॉफ्टवेयर का यूआई ऐसा होता है, इसको फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस बिल्कुल ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रैक डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर लिखा हुआ होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये जो है ना ऑफ़ आता है, तो इसको टर्न ऑन करना पड़ता है। तो मैंने ऑन किया हुआ है, अगेन मैंने इसको ऑफ़ करके दोबारा ऑन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना किस तरह से ऑन कर सकते हैं इसको, और इसका आप जो है ना फ़ायदा कैसे ले सकते हैं वो आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये की है, आप जो है ना अपने प्रेफरेंस से इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे पेन के बटन पर सिलेक्ट करके, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट की जो है वो यही है, विंडोज़ शिफ्ट प्लस टी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल।